Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. आज हम बात करेंगे डॉक्टर रुथ पाउ पर. डॉक्टर रुथ पाउ 9 सितंबर 1938 को जर्मनी में पैदा हुई. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब उनका घर तबाह हो गया तो वह अपनी फैमिली के साथ वहाँ से माइग्रेट कर गई. 1958 में रुथ पाउ ने फैसला किया कि वो आगे मेडिकल को परस्यू करेंगी. 1958 में उन्होंने लेप्रोजी के मरीजों पर बनने वाली एक डॉक्यूमेंट्री देखी, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान जाकर इन मरीजों की मदद करेंगी. डॉक्टर रुथ पाउ जब पाकिस्तान आईं तो उनके साथ सिस्टर बेंस भी थी. जाजिम, जिसको कोहर भी कहा जाता है, एक अछूत की बीमारी है जिससे मुतासर शख्स का जिस्म गलना शुरू हो जाता है और जिस्म में पीप बढ़ जाती है. इसके साथ साथ मुतासर शख्स के जिस्म का गोश्त टूट टूट कर गिरने लगता है. ऐसे मरीजों से सख्त बदबू आती है और इस बीमारी को लाइलाज समझा जाता है. मुतासर शख्स अपने जिस्म को बचाने के लिए पट्टियां बांधकर रखता है. क्योंकि ये एक लाइलाज बीमारी थी, इसलिए जिसको भी कोहर की बीमारी होती उसे शहर से बाहर किसी वीराने में फेंक दिया जाता, जहां वो बेचारा सिसक सिसक कर मर जाता. 1960 में हजारों अफराद ऐसे थे जिनको कोहर का मर्ज था और दिन ब दिन फैलता ही जा रहा था. बाअसर अफराद ने ऐसे मरीजों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम किया और शहर से दूर वीरानों में कोहरे हयात बनाए गए. लोग आंख, मुंह, कान यहां से ढाम कर गुजरते. अव्वल तो यहां के मरीजों को खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था कि ये जल्द ही मर जाएं, लेकिन अगर कोई इन पर तरस खा कर आता तो खाना बाहर की दीवार से ही अंदर फेंक दिया जाता और वो लोग मिट्टी और कीचड़ से लदी रोटियां झाड़ झाड़ कर खा लेते. ऐसे मरीजों के पास दो ही रास्ते होते, या तो वो खुदकुशी कर मौत को गले लगा लें, या फिर कोड़े हयातों में जाकर सिसक सिसक कर मर जाएं. ऐसे में डॉक्टर रुथ पाउ पाकिस्तान आईं तो वो 30 साल की खूबसूरत खातून थीं. वो चाहती तो अपनी ज़िंदगी सुकून से जर्मनी में ऐशो आराम से गुजार सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अजीब फैसला किया कि वो जर्मनी से कराची आईं और उन्होंने पाकिस्तान में कोहर के मरीजों के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया. उन्होंने इस मर्ज को ख़त्म करने के लिए अपना ख़ानदान, अपना मुल्क और अपनी जवानी तक इसके पीछे लगा दी. डॉक्टर रुथ पाउ ने कराची रेलवे स्टेशन के पीछे मैकलून रोड पर सेंटर बनाया और कोड़ियों का इलाज शुरू कर दिया. सब इस खातून को हैरत से देखते कि कैसे वो अपने हाथों से इलाज करती, खाना खिलाती और अपने हाथों से मरहम पट्टी करती. वो भी उस वक्त जब रिश्तेदार भी मरीज को छोड़कर चले जाते. लोगों का ख्याल था कि ये मर्ज अल्लाह की तरफ से अजाब है जो इंसान को गुनाहों के नतीजे में मिला है. ये डॉक्टर रुथ पाउ का जज्बा और नेक नीयत ही थी कि अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा रखी जिससे मरीज सेहतयाब हो जाते. फिर डॉक्टर आई के गुल ने भी इनको ज्वाइन किया और कराची में मेरी लेप्रोजी सेंटर बनाया. इस सेंटर में मरीजों की खिदमत की जाती, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सोशल वर्कर्स की ट्रेनिंग भी की जाती. 1965 में ये सेंटर हॉस्पिटल में तब्दील हो गया और सोशल एक्शन प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए जिसके ज़रिए लोगों को आगाही दी जाती. डॉक्टर रुथ पाउ के बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनकी मदद की, लेकिन फिर भी चंदा जमा करने के लिए उनको जर्मनी जाना पड़ा. जर्मनी से जमा किए गए चंदे से पाकिस्तान में 170 लेप्रोजी सेंटर्स बनाए गए जिनमें तकरीबन 60,000 मरीजों का इलाज किया गया. और इस तरह जल्द ही पूरे पाकिस्तान में लेप्रोजी का खात्मा हो गया और जल्द ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को लेप्रोजी फ्री कंट्री करार दे दिया. पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क है जहाँ पर लेप्रोजी इतनी जल्दी से कंट्रोल किया गया. 10 अगस्त 2017 को डॉक्टर रुथ पाउ की डेथ हो गई. उनको उनकी ज़िंदगी में ही ना सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत से नवाजा गया बल्कि सितारा हिलाल इम्तियाज, हिलाल पाकिस्तान, सितारा कायद आज़म और जिना अवार्ड से नवाजा गया. इसके साथ साथ जर्मनी की गवर्नमेंट ने भी उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा. डॉक्टर रुथ पाउ ने अपनी ज़िंदगी में ही पाकिस्तान में तदफीन की वसीयत कर दी थी और इस तरह पाकिस्तान के हीरो को पूरे सरकारी एजाजात के साथ कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया.